आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में 3 जून को आयोजित होने जा रही तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियों की समीक्षा के लिए बुधवार शाम अपने सरकारी आवास पर बैठक की। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने जा रहे इस कार्यक्रम में 80,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए उनका शिलान्यास किया जाएगा। इस प्रतिष्ठात्मक आयोजन के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। तो ये तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है जिसमें एक बड़ा निवेश किया जाएगा। राज्य में बड़ा निवेश लाने की तैयारी है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जहां 80,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए उनका शिलान्यास किया जाएगा। प्रदेश के विकास के लिए ये एक और कदम बढ़ाया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। तैयारियों की बात करी जाए तो तैयारियां भी जोरों शोरों से देखने को मिल रही है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की। वो लखनऊ की तस्वीर एक बदलती हुई नजर आ रही है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहे हैं। हर चौराहे को तिरंगी लाइटों से सजाया गया है, साथ ही साथ काफी अलग दिखाई दे रहा है इस वक्त लखनऊ का नजारा। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए जोरों पे चल रही है तैयारी, एक बड़ा निवेश आने की संभावना जताई जा रही है, क्या कुछ है जानकारी? जी शिखा, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर 3.0 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थ्रू का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो इन्वेस्टमेंट समिट किया जाता है, निवेशकों को उत्तर प्रदेश के अंदर में जगह देने के लिए, साथ ही साथ उन्हें जो उत्तर प्रदेश के अंदर में जो अपने व्यापार को स्थापित करके और साथ ही साथ रोजगार और अन्य क्षेत्रों में जो अवसर प्रदान करने की क्रिया है, उसी क्रम में 3.0 इन्वेस्टमेंट समिट कह सकते हैं, साथ ही साथ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थ्रू भी कह सकते हैं। और आपको बताएं कि मुख्यमंत्री की तरफ से ये तीसरी बार आयोजन किया जा रहा है और आज से ठीक 4 साल पहले भी आयोजन किया गया था। वहीं आपको बता दें कि इस आयोजन से माना यह जा रहा है कि 80 करोड़ का रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर में आएगा। वहीं आपको बताएं कि माना यह भी जा रहा है कि युवा जो कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या काफी अव्वल है, जिसको निजात दिलाने को लेकर 5 लाख रोजगार के भी अवसर प्रदान करने की भी आशंकाएं जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि सेरेमनी की शुरुआत से पहले लखनऊ को एकदम दुल्हन की तरह से सजा दिया गया है। अगर आप शिखा देखें तो एयरपोर्ट से लेकर और आयोजन स्थल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक लाइट के झालरों एवं साथ ही साथ गमले एवं वॉल पे तस्वीरों को भी उतारा गया, साथ ही साथ मौलाना आजाद, अब्दुल कलाम, वीर सावरकर जैसे तमाम महापुरुषों की भी तस्वीरों को ब्रिज एवं तमाम दीवारों पर बनाया गया है। तो पूरी तरह से लखनऊ को सजा दिया गया जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है। वही आपको बताएं कि सेरेमनी में देश भर से इन्वेस्टर आएंगे, साथ ही साथ आईटी हब से लेकर मेडिकल टूरिज्म से लेकर सभी एक क्षेत्रों में जो विकास की कड़ी है उसमें रफ्तार दिलाने को लेकर ये आज आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में बताया आपको कि जो नगर विकास मंत्री है नंद गोपाल नंदी और साथ ही साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जो आयोजन स्थल है वहां जाते हैं और जायजा लेते हैं। आपको बताएं कि ये जो आयोजन होगा इसमें हर एक उत्तर प्रदेश की, चाहे बात की जाए पश्चिमांचल, चाहे बात की जाए मध्यांचल, चाहे बात की जाए पूर्वांचल, तो सभी, चाहे बुंदेलखंड क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों के जो एक प्रोजेक्ट बनाकर और उसे वीडियो के माध्यम से उस क्षेत्रों के बारे में दिखाया जाएगा। और आपको बताएं कि जहां पिछले इन्वेस्टमेंट समिट में कहीं ना कहीं सैमसंग जैसी कंपनियां नोएडा की जो बात थी तो उसपे भी पूरे अपनी आधारशिला रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्वेस्टमेंट समिट से काफी निवेश किया, उसी क्रम में 80,000 करोड़ का अनुमान लगाया गया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो इन्वेस्टर आते हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर में किस क्षेत्र में इन्वेस्ट करते हैं। माना जा रहा है कि आईटी हब को लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार आश्वस्त कर चुकी है कि आईटी हब बनाने के केंद्र में उत्तर प्रदेश अग्रसर है।
वहीं आपको बताएं कि मेडिकल टूरिज्म जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर में तमाम टूरिस्ट धार्मिक एवं हिस्टोरिकल प्लेसेस आते हैं, तो उसको लेकर जैसे विदेशों में मेडिकल टूरिज्म होता था, साथ ही साथ इलाज और भ्रमण, इसको लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार उसके विकास में भी लगी हुई है। साथ ही सड़कों का जंजाल, चाहे बात की जाए कारखानों की, तो इन सभी क्षेत्रों में जो इन्वेस्टर आएंगे उनको यहाँ तमाम जगहों पे जो उत्तर प्रदेश के चार क्षेत्र हैं इन सभी क्षेत्रों के बारे में दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, फिर अपनी इच्छा जताकर और ये तमाम देश भर से साथ ही साथ विदेशों से भी आने की आशंका इन्वेस्टरों की, तो इस इन्वेस्टमेंट समिट से और ग्राउंड ब्रेकिंग समिट थ्रू से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को जो विकास की रफ्तार है उसमें रफ्तार में तेजी लाने को लेकर ये रखा गया है और आने वाले दिनों में इसका जो परिणाम होगा वो जल्द ही दिखेगा। जी शिखा बिल्कुल विभांशु, बुधवार शाम को सरकारी आवास पर सीएम योगी ने बैठक भी करी है इसकी समीक्षा के लिए, तो क्या कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए सीएम ने? जी कार्यक्रम को लेकर कल शाम में लगभग 6 बजे के करीब योगी आदित्यनाथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान आते हैं, जहां वो कार्यक्रम का जायजा लेते हैं, जिसके बाद वो अपने जो संबंधित लोग हैं और आपके नगर विकास मंत्री हैं उन सभी लोगों के साथ मीटिंग करते हैं और कार्यक्रम का जो रूपरेखा है उसके बारे में जायजा लेते हैं कि आखिर किस हद तक तैयारी की गई है और किस हद तक कामों को किया जाएगा। वही आपको बताएं कि नंद गोपाल नंदी उनके साथ मौजूद रहे जब वो वहां औचक निरीक्षण करने जाते हैं। वही आपको बताएं कि सुरक्षा के पूरे कड़े इंतजाम किए गए हैं, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान को पूरा दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और वहां के जो भी असेंबली है, चाहे बात की जाए मार्स, चाहे बात की जाए जुपिटर, हर एक हॉल में अलग अलग क्षेत्रों के निवेशकों को बैठाने की तैयारी भी है। साथ ही साथ आपको बताएं कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के अंदर में अब कल से ही कार्यक्रम की शुरुआत होगी जिसमें प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत की जाएगी और प्रदेश भर और साथ ही साथ देश भर और दूर दराज क्षेत्रों से निवेशक आने वाले हैं और कल इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार बैठक किया और बैठक के द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिया कार्यक्रम को लेकर। जी शिखा विभांशु, कई निवेशक भी आ रहे हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए तो वो कैसी देखने को मिल रही है? रूट क्या डाइवर्ट रहेंगे जब इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे? इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रहा है, कितने बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा? जी शिखा आपको बता दें कि ये कार्यक्रम 9 बजे से शुरू होगा और प्रधानमंत्री के मौजूदगी के बाद उनके वहां दीपक प्रज्वलित करने के बाद ये कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। मगर शिखा अगर देखें तो लखनऊ पुलिस को एक चुनौती होगी क्योंकि हाल ही के दिनों में अगर देखें तो 1090 चौराहा, चाहे बात की जाए लोहिया चौराहा, चाहे बात की जाए पॉलिटेक्निक चौराहा, चाहे बात की जाए मुख्यमंत्री के आवास के ठीक सामने, इन सब जगहों पे आए दिनों जाम की समस्या लगती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसे अपनी मुस्तैदी के साथ ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बेहतर काम करने की जरूरत है। वही आपको बताएं कि जहां एक तरफ जहां दूर दराज से निवेशक आएंगे तो अच्छी खासी तादाद होगी, तो इसको लेकर रूट भी डाइवर्ट किए जाने की संभावना है। मगर अब तक मिली सूचना के आधार पर अगर बताएं शिखा तो अब तक ऐसी सूचना नहीं है, मगर ट्रैफिक पुलिस आज इस पे अपने चर्चा करेगी और रूट डाइवर्ट करेगी किस रूट से वीवीआईपीज को आने की एंट्री दी जाएगी। वहीं अगर देखें तो कानून व्यवस्था को लेकर सीआरपीएफ की टुकड़ियों को लगाया गया है, साथ ही साथ अन्य जिलों से भी पुलिस को बल को बुलाया गया है और एकदम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान को छावनी में तबादला कर दिया गया, तो सुरक्षा के पूरे कड़े इंतजाम है। साथ ही साथ वहां ड्रोन के माध्यम से और एलआईयू लोकल इंटेलिजेंस को भी लगाया गया है कि कुछ ऐसे कृत्य अगर दिखते हैं तो उस पे कार्रवाई की जा सके। वही आपको बताएं कि प्रधानमंत्री जो कि देश के प्रधानमंत्री है तो एक प्रोटोकॉल के पद पे बैठे रहने वाले प्रधानमंत्री के साथ उनके खुद सुरक्षा दस्ता होगा, साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम दिग्गज मौजूद होंगे, तो कानून व्यवस्था के हर एक प्रयास प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर देखें तो लखनऊ के अंदर में ट्रैफिक व्यवस्था एक बड़ी ट्रैफिक पुलिस के लिए चुनौती हो, क्योंकि आपने देखा कि जब ओथ सेरेमनी था योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 का, तो पूरे लखनऊ शहर के अंदर में काफी भीषण जाम लगा था जिसमें कई बड़े वीवीआईपी जाम का शिकार हुए थे और पैदल गए थे। कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस को कल अपने मुस्तैदी के साथ ट्रैफिक न लगे जिसके लिए आश्वस्त
रहना होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे लखनऊ से। तो सीएम तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियों की खुद समीक्षा बैठक भी करी है और तैयारियों पर नजर रखे हुए हैं। कड़ी चुनौती रहेगी इस बार पुलिस प्रशासन के लिए सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर। रुक करते अगली खबर की तरफ। भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान 2745 नए कोरोना मामले सामने आए हैं, जबकि 6 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का दर 98.74% पहुंच गया है। वहीं हरदोई में कोरोना का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां बीते 24 घंटे में कोरोना के 8 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें एक्टिव मरीजों की संख्या 27 पहुंच गई है। तो 24 घंटे में कोरोना के 8 नए मरीज मिले हैं और लगातार कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की दर 98.74% हो गई है। हरदोई में कोरोना का ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 8 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। हरदोई में एक्टिव मरीजों की संख्या हरदोई में 27 पहुंच गई है और कोरोना के मामले अभी भी सामने आ रहे। पिछले 24 घंटे में 2745 नए मामले सामने आए हैं, 6 लोगों की मौत की खबर है। तो कोरोना के मामले एक बार फिर सामने आने लगे हैं और लोगों की चिंता को बढ़ाने लगे हैं। हरदोई से ये आज मामले सामने आए हैं, जहां पे कोरोना के मामलों ने लोगों को परेशान कर दिया है, जहां कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। तो वहीं एक बार फिर हरदोई से खबर सामने आई, जो कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़े हुए नजर आए हैं, जहां 24 घंटे में भारत में 2745 मामले सामने आए हैं, 6 लोगों की मौत की खबर है पूरे देश से। लेकिन कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की दर भी बढ़ी है, 98.74% पहुंच गई है। और हरदोई की बात करी जाए, उत्तर प्रदेश में हरदोई की, तो कोरोना का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 8 नए संक्रमित मरीज हरदोई से मिले हैं। एक साथ 8 नए संक्रमित मरीज मिलने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। एक बार फिर कोरोना के मामले सामने आए हैं। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता हर्ष राज जुड़ चुके हैं हरदोई से। हर्ष, अगर बात करी जाए कोरोना संक्रमितों की, तो एक साथ 8 नए संक्रमित मिले हैं, क्या जानकारी है, कैसा माहौल है इस वक्त स्वास्थ्य विभाग में? स्वास्थ्य विभाग में जब से पिछले 24 घंटे में ये 7 मरीज मिले हैं, बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ के जो मुख्य चिकित्साधिकारी ने एक गाइडलाइन जारी की है कि बिना मास्क के कोई ना निकले, और जैसे जैसे ये लगातार ये मामले पड़ रहे हैं और आम जनमानस में कहीं ना कहीं देखा जा सकता है उनकी मुश्किलें पड़ रही हैं। अभी पिछले पिछले दशक में देखा गया होगा कितनी इससे मृत्यु हुई हैं और बहुत भारी तादाद में नुकसान भी हुआ है। जी, अगर इन 8 मरीजों की बात करी जाए तो क्या इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, ये कहीं से यात्रा करके आए हैं? अभी मैडम इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, जांच चल रही है, जांच के बाद ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी इसकी पुष्टि करेंगे। जी, तो इनमें कितनी महिलाएं और कितने पुरुष शामिल हैं? इसमें कहें तो अभी तक जो आया है आंकड़े सामने, इसमें 4 महिलाएं हैं, 2 बच्चे हैं और एक वयस्क है। जी, बच्चों की उम्र क्या बताई जा रही है हर्ष? अभी कहना मुश्किल होगा, इस पे जांच चल रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता हर्ष राज तिवारी जुड़े थे हरदोई से। एएमयू में इंटर के छात्रों ने अचानक प्रैक्टिकल एग्जाम होने की सूचना पर विद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में छात्रों ने इकट्ठा होकर नारेबाजी की। मामले में छात्रों का कहना है कि एएमयू प्रशासन की ओर से अचानक प्रैक्टिकल होने की सूचना दी गई है, जबकि छात्रों ने कोई तैयारी नहीं की है, इसलिए प्रैक्टिकल को फौरन निरस्त किया जाए। वहीं प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने छात्रों की बात मानने का आश्वासन दिया है। इकट्ठे हुए थे अपने हॉस्टल में, फिर बच्चों ने प्रैक्टिकल किए भी नहीं थे स्कूल में, टीचर्स वगैरह, क्योंकि टाइम बहुत कम था, 1 महीने का टाइम था, 5-5 प्रैक्टिकल ले रहे हैं तो बच्चे कहाँ से देंगे। फिर हम सब लोग जमा हुए, इसलिए हमने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि नीट का एंट्रेंस है बच्चों का, सब लोग उसमें बिजी हैं, तो और एग्ज़ाम भी रिटर्न में दिए हैं, इस वजह से हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया था। प्लस टू के बच्चे हैं,
उनके प्रैक्टिकल्स को लेके कुछ इश्यूज थे जिसको एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा गया है। उनके असल में कोविड जब से चल रहा था तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, अब यूनिवर्सिटी 1.5-2 महीने से ऑफलाइन हुई है, तो बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी प्रैक्टिकल को लेके, तो उसमें प्रैक्टिकल्स को लेके कुछ जो हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात रखी है उसमें सॉल्यूशन हो गया है, बच्चे वापस जा रहे हैं। हमारी डिमांड ये थी कि साल भर में इन्होंने जो प्रैक्टिकल होता है वो साल भर का होता है, ठीक है, ये दो लोग 2 महीने स्कूल खोले उसमें प्रैक्टिकल कराए, तो इससे बच्चे सीख नहीं पाए चीज़ें और सही से पूरे प्रैक्टिकल हुए भी नहीं। तो ये हमारी डिमांड थी, जैद भाई भी आए और कई नेता आए, उन लोगों से मिले और कंट्रोल ऑफिस में गए, तो उन्होंने कहा कि आपको 4 में से 1 प्रैक्टिकल करा दिया जाएगा, आपके जो अच्छा लगे आपको, आप लोग ज़्यादा धन्यवाद लगा रही है हमारे से। ये खबर सामने आ रही है जहां एएमयू के छात्रों ने प्रदर्शन किया है, प्रैक्टिकल की वजह से प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि छात्रों का कहना है कि बिना किसी सूचना के और बिना किसी तैयारी के ही प्रैक्टिकल की घोषणा कर दी गई और छात्रों की तैयारी नहीं है, जिस वजह से इसे निरस्त करने की मांग की गई है। वहीं कॉलेज प्रशासन की तरफ से भी आश्वासन दिया है छात्रों की बात मानने का, अब देखना यह होगा कि इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है। एएमयू प्रशासन की ओर से अचानक प्रैक्टिकल होने की सूचना दी गई है, छात्रों का कहना है छात्रों ने कोई तैयारी नहीं की है, इसलिए प्रैक्टिकल को फौरन निरस्त किए जाने की छात्र मांग कर रहे हैं। अलीगढ़ के एएमयू से ये खबर सामने आ रही है, एएमयू में इंटर के छात्रों ने अचानक प्रैक्टिकल एग्जाम होने की सूचना पर विद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में छात्रों ने इकट्ठा होकर नारेबाजी की है। मामले में छात्रों का कहना है कि एएमयू प्रशासन की ओर से इसकी कोई सूचना नहीं दी गई थी, जबकि छात्रों ने कोई तैयारी भी नहीं की हुई थी। छात्रों द्वारा बताया गया है कि 2 महीने ही सिर्फ क्लासेस लगी है जिसमें प्रैक्टिकल हुआ है और उसमें बच्चे कुछ सीख नहीं पाए हैं। और इस खबर पे हमारे साथ अलीगढ़ से संवाददाता नितेश जुड़ चुके हैं। नितेश, जिस तरह से बच्चों ने प्रदर्शन किया, अब कॉलेज प्रशासन की तरफ से आश्वासन तो दे दिया गया है, क्या कोई और जानकारी कि प्रैक्टिकल को रद्द किया जाएगा या बाद में कराया जाएगा या नहीं? शिखा, मैं आपको बता दूं, कोरोना काल के चलते यहां पर पढ़ाई नहीं हो पाई थी और पढ़ाई न होने के कारण छात्रों में आक्रोश नजर आया। आक्रोश के द्वारा छात्रों ने लगातार फ्लैग मार्च निकाला वहां पर और यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया। उनकी एक ही मांग थी कि इस प्रैक्टिकल को कैंसिल किया जाए और हमें समय दिया जाए कि हम इस प्रैक्टिकल की तैयारी कर सकें। जी, तो जिस तरह से मांग कर रहे हैं छात्र, तो प्रशासन की तरफ से, जो एएमयू प्रशासन है उसकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? छात्रों की अगर मांगों की बात करेंगे और एएमयू प्रशासन की बात करेंगे तो प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को रखा जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा। छात्रों द्वारा क्या कुछ जानकारी दी गई है, कितनी बार उनका प्रैक्टिकल करवाया गया है अभी तक? छात्र, कोरोना काल के चलते लगातार पढ़ाई नहीं हो पाई है। छात्रों का कहना यह है कि हमें थोड़ा सा समय चाहिए जिससे हम इस प्रैक्टिकल की तैयारी कर सकें, और उनको जानकारी का अभाव भी नहीं था, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमें थोड़ा समय चाहिए जिससे हम प्रैक्टिकल की तैयारी कर लें और हम प्रैक्टिकल देने के योग्य हो जाएं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ अलीगढ़ से संवाददाता नितेश माहेश्वरी जुड़े थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।